वैसे तो दिन भर शहरियों की बड़ी तादाद तफरी के लिए सीव्यू का रुख करती है, मगर शाम होते ही यहाँ रोजगार कमाने वाले अफराद भी अपना डेरा जमा लेते हैं। कोई गोलगप्पे की ठेला लगाता है तो कोई चाय का। इनमें से बेशतर का ताल्लुक दूसरे शहरों और अजला से है। हम आया बलूचिस्तान से, 200 भी हैं, 300 भी हैं, लग जाते हैं हवाई रोजे, लग जाते हैं 500 भी हैं। इधर खर्चा बहुत है, खाना है, पीना है, हर चीज महंगाई है। फैसलाबाद से आया हूँ, यहाँ मैं ये चने बेचता हूँ और अपनी रोजी 200-300 बचे, जो भी बचे हम अल्लाह का शुक्र है, जो हम इतने मिल जाते हैं, बस शुक्र गुजार है अल्लाह का, ये हम चने बेच के अपने। इसी तरह चाय बेचने वाला ये शख्स कई अरसे से यहाँ अपने बाल बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी कमा कर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। ये काम करने के लिए सीवी आता हूँ, बस ये चाय का टिया लगाया हुआ, बस बच्चों के लिए दाल रोटी कमा रहा हूँ। बड़ों के साथ साथ यहाँ बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है। ये बच्चा बगैर किसी सरमायाकारी के पानी की बोतलें भर कर फरोख्त करता है। हम इधर बोतल बेचने हैं, 2-3 रुपए का बोतल बेचते हैं, जब 2-3 ग्राहक आते थे, 2-3 बोतलें तो दाल रोटी बन जाते। बड़े इदारों में मुलाजमतों पर इंसार करने के बजाय खुद अपने लिए रोजगार के जराए पैदा करने की ऐसी मिसालें बहुत मिलती है। शहर का साहिल न सिर्फ तफरीगा है बल्कि कई अफराद के लिए जरिया रोजगार भी है, जहां पर ये अफराद अपने लिए खाना के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के लिए आते हैं। कैमरामैन फहीम रजा के साथ शफी बलोच, डॉन न्यूज़ कराची।